जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे। सुनो जी, और कितनी देर लगेगी? ठीक है, देता हूँ इसे। अरे नाम का क्या बात करता है जॉन अंकल, एक दिन तो हम तुमको चमका डालेगा। ना ठीक है। मेरे दिल ने तड़प के जब ना, मेरी तरफ क्या देख रहे हो, अपना काम करो। हाँ, तेरा पुकारा। क्या कहा था? Can you repeat it? Yes, shut up. बॉलीवुड अदाकारा डिंपल कपाड़िया की बहन सिंपल कपाड़िया का निधन मंगलवार को मुंबई के अंधेरी के एक अस्पताल में हो गया था। इतने में क्या देखता हूँ, एक खूबसूरत सी लड़की बारिश में भीग रही, उसकी गाड़ी खराब हो गई थी। उसे देख के मुझे ऐसे लगा जैसे। बाद में उनका पार्थिव शरीर मुंबई में उनकी बहन के घर वास्तु लाया गया था। 51 साल की सिंपल कपाड़िया ब्लड कैंसर से पीड़ित थी। मेरी जिंदगी का क्या मतलब? जिंदगी जब बेमतलब होने लगती है तो वो अपने लिए कोई नया मतलब निकाल लेती है। चुप हो जाओ। कभी कभी बात से कितने अनजान लोग मिल जाते हैं। सनी देओल, अक्षय कुमार, डिंपल कपाड़िया, ट्विंकल खन्ना और तब्बू उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे। बुधवार सुबह विले पार्ले स्थित हिंदू समाज शमशान भूमि में अंतिम संस्कार किया गया था। जिंदगी की तो रिफ्यूज में ही मजा है। जब तक एक हाथ कांटे न चुभे तो जीने का क्या मतलब। इनका जन्म 15 अगस्त 1958 को मुंबई में हुआ था और 10 नवंबर साल 2009 में सिर्फ 51 साल की उम्र में ही इन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। सिंपल कपाड़िया एक पूर्व अभिनेत्री थी जिन्होंने लगभग 20 बॉलीवुड फिल्मों में काम किया। अरे तुम लोग अभी तक हंस रहे हो, वहाँ भीड़ों का वक्त हो रहा है। ये कल्पू चल मंडप में फटाफट। और बाद में कॉस्ट्यूम डिजाइनर बन गई। सिंपल कपाड़िया ने अपना करियर तब शुरू किया जब वो 18 साल की थी। उन्होंने 1977 में अनुरोध के साथ अपने अभिनय की शुरुआत की जहां उनकी जोड़ी उनके बहनोई राजेश खन्ना के साथ थी। फिल्म के निर्देशक शक्ति सामंत ने कहा कि हालांकि फिल्म में एक दिलचस्प कहानी थी लेकिन उन्हें लगा कि शायद प्रमुख व्यक्ति को अपने वास्तविक जीवन की भाभी का पीछा करते हुए नहीं देखना चाहते। इस प्रकार सरल कपाड़िया को फिल्म की विफलता के लिए अनुचित रूप से दोषी ठहराया गया था और उन्हें एक क्रूर भारतीय प्रेस की कटु टिप्पणियों को सहन करना पड़ा था। और बाद में उन्होंने हम रहे ना हम, तुम्हारे बिना, जीवन धारा, जमाने को दिखाना है, दूल्हा बिकता है, नसीब, शक्का,
लूटमार, मनपसंद, एहसास, रह गुजर, चक्रव्यूह और प्यार के दो पल में काम किया। और उन्होंने प्यार के दो पल के बाद 1986 में अभिनय छोड़ दिया था। हालांकि उन्होंने बहुत चरित्र दिखाया। इसके बाद के वर्षों में उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया। उनकी सबसे उल्लेखनीय भूमिकाओं में से शामिल है लूटमार में एक कामुक नर्तकी, प्यार के दो पल में खलनायिका, शाका में एक वाचनीय चोर और जीवन धारा में एक आकर्षक प्रदर्शन। उन्होंने 1985 में शेखर सुमन के साथ रह गुजर में भी शानदार प्रदर्शन किया। बाद में 1994 में उन्होंने रुदाली के लिए एक कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर के रूप में काम किया और बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर के लिए नेशनल अवार्ड भी जीता।